માણેજા સ્થિત શેફલર ઇન્ડિયા કંપની દ્વારા વીએમસી સાથે જોડાણ કરીને બનાવવામાં આવેલા જાંબુઆ સર્કલનું આજરોજ ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું। औद्योगिक अने ऑटोमोटिव घटकों की अग्रणी संकलित सप्लायर शेफलर इंडिया कंपनी द्वारा आज शहर परिवर्तित थे जांबुआ सर्कल उद्घाटन समारंभ कार्यक्रम योजो। आ ग्रीन आईलैंड सुवर्ण चतुर्भुज रूट नेशनल हाईवे 48 नजीक स्थित माणेजा वडोदरा में एंट्री पॉइंट पर स्थित है। वडोदरा शहर साथ लांबा समय की जोड़ाण धरावनार जवाबदार कॉर्पोरेट तरीके कंपनीए वीएमसी साथ जोड़ाण कर सर्कल की जवाबदारी लीधी थी और सस्टेनेबिलिटी संदेश आप मजबूत प्रतीक बनावा निर्धार करो। स्वच्छ भारत अभियान भागरूपे जांबुआ सर्कल निर्माण कर आ जांबुआ सर्कल वडोदरा सुंदरता ने दर्शाए स्वच्छ भारत निर्माण करने प्रोत्साहन पूरू पाड़े। आइलैंड मध्य में ग्रेनाइट ग्लोब फाउंटेन स्वरूपे विशिष्ट एंजीनियरिंग मार्बल है जो वीजड़ी के मेकेनिकल पार्ट्स की जरूरियात विना पानी दबाण द्वारा गोल फरे छे। आ सतत के गति में टेक्नोलॉजिकल प्रगति जाळवी राखवाना कंपनी पथ प्रदर्शक जुस्सा प्रतीक है। आ नवीन निर्माण पामेला जांबुआ सर्कल उद्घाटन वडोदरा शहर पोलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंगे शेफलर इंडिया की लीडरशिप टीम की हाजरी में कर्यु हतु। शेफलर ने जांबुआ सर्कल पे ग्रीन कॉर्नर सुशोभन किया, बहुत बेहतरीन ढंग से उसने बनाया है। मैं उनको शुभेच्छा और बधाई देता हूँ। और ऐसे ऐसे कॉर्नर अगर पूरे सिटी में ग्रीन बनाए जाएं तो इस शहर को बड़ा खूबसूरत बनाने में मदद करेंगे, सफाई भी रखेंगे और पर्यावरण को भी मदद करेंगे। तो इसके लिए मैं शेफलर को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। अवसरे डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर सुधीर के पटेल पण विशेष उपस्थित रहा था। वडोदरा शहर में प्रवेशता सुंदर सर्कल बन्यु छे ते बदल शेफलर इंडिया कंपनी ने अभिनंदन आपी शुभेच्छा पाठवी हती। आपणे अहीं आवीए अने जोईए तो जे एटलू ब्यूटीफुल बनावेलू छे आखो स्पेस के आपणे जोईने ज खूब खूब आनंद थाय। अने ज्यारे आजे पर्टिक्युलर आ जे जग्या छे तो साउथ आपणे सूरत बाजूथी आवता होय अने वडोदरामां जे पहेली ज एंट्री छे त्यां ज आवुं खूब सरस આપણે જોઈએ છે। એક પથ્થરનો મોટો ગ્લોબ પૃથ્વીનો ગ્લોબ બનાવવામાં આવ્યો છે અને નીચેથી વોટર ફોર્સથી એ આખો વજનદાર ગ્લોબ ખૂબ જ ફરી રહ્યો છે અને સાથે સાથે જ આખું ગ્રીન સ્પેસ સરસ મજાનું બનાવવામાં આવ્યું છે। આપણે વડોદરાથી વડોદરા શહેરીજન જ કોઈ એન્ટર થાય એને જ નહીં, વડોદરામાં આવતા બહારના ગેસ્ટ છે એ પણ આ જોઈને બિલકુલ પ્રભાવિત થશે હું માનું છું। અને સાથે સાથે હું આશા રાખું છું કંપની પાસે કે આવું જે સરસ બનાવ્યું છે આને ખૂબ સરસ રીતે મેન્ટેન કરે અને આવનું આવું આ રહે। વડોદરા શહેરમાં આને લઈ અને આવા જ ઘણા જ બીજા છે સર્કલ્સ આપણે ડેવલપ કર્યા છે, અન્ય કોઈ પણ સિટીમાં નથી, એનાથી વધારે વડોદરા શહેરમાં છે। અને એમાં આ શેફલર કંપની જેવા સીએસઆર પ્રોજેક્ટથી વડોદરા કોર્પોરેશનમાં ભાગીદાર થઈ રહ્યા છે ત્યારે કંપનીને પણ હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને વડોદરા શહેર આવી જ રીતે ખૂબ જ બ્યુટીફાય થાય એ બદલ શુભેચ્છા આપું છું। આમાં આપણે આ જે મેં કહું કે વડોદરા પાલિકાના અમારા ટ્રાફિક ડિપાર્ટમેન્ટના સહયોગથી જ આ પીપીપી મોડેલ એટલે આપણે એમને જગ્યા આપીએ, પરમિશન આપીએ અને આ કંપની જ પોતાની રીતે જો કે એનો જે બનાવવાના છે એમનો તમામ પ્રોજેક્ટ અને એમનો મેપ છે આખો પ્લાનિંગ છે એ અગાઉથી જ આપણને સબમિટ કરે છે અને આપણે અપ્રૂવ કરીએ છીએ। એ અપ્રૂવ કર્યા પછી આ કંપની જ આવું સરસ બ્યુટીફાય કરતી હોય છે, માત્ર બનાવવાનું જ નહીં આને એ લોકો આપણે જોઈએ છીએ અન્ય સર્કલ્સની જેમ આમને મેન્ટેન કરવાનું કામ પણ એ કરશે। આ પ્રસંગે શેફલર ઇન્ડિયાના એમડી અને સીઈઓ શ્રી હર્ષ કદમે જણાવ્યું હતું, શેફલર ઇન્ડિયા વડોદરા શહેર સાથે લાંબા સમયથી જોડાયેલી છે અને એક જવાબદાર કોર્પોરેટ તરીકે અમારું વિઝન વ્યવસાયથી પર છે તથા અમે આ વિસ્તારમાં પર્યાવરણને અનુકૂળ સામાજિક અને આર્થિક વિકાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે। શહેર પ્રત્યે અમારી સામાજિક કટિબદ્ધતાનું સારી રીતે ડોક્યુમેન્ટેશન થયું છે અને જાંબુઆ સર્કલથી કાયાપલટ એ દિશામાં સ્વચ્છ અને હરિયાળા શહેરને મજબૂત સંદેશ આપે છે। હમ બરોડા શહેર મેં 60 સાલ સે હૈ તો યે બરોડા શહેર અભી હમારા ઘર જૈસા બન ગયા હૈ જી તો જાહિર હૈ કે હમારા ઘર હમે બહુત અચ્છા લગના ચાહિયે જહાં પે હમ રહેતે હૈ तो ऐसे बहुत सारे कोशिशें हैं हमारे कर रहे हैं हम तो ये एक छोटा सा तुच्छ बेट है जहाँ आसपास की जगह जो हो हमारे कंपनी के आसपास में जो अच्छा रहे, ग्रीन रहे, क्लीन रहे तो ये एक माध्यम है हमने शुरू किया है। ऐसे ही हम सारे अदर जो दूसरा प्लांट्स है फैक्ट्री है वहाँ भी यही करने जा रहे हैं।
तो यहाँ से शुरुआत तो किया है। शेफलर इंडियाना ह्यूमन रिसोर्सिस ना वाइस प्रेसिडेंट अने सीएसआर ना हेड श्री शांतनु घोषाले आ प्रसंगे जणाव्यु हतुं के एक जवाबदार सामुदायिक लीडर तरीके अमे समुदायना सर्वांगी विकासने टेको आपे तेवी पहेलनो सक्रियपणे हाथ धरीए छीए अने साथे साथे इनोवेशन अने सस्टेनेबिलिटीनो मूल्योने प्रोत्साहन आपीए छीए। आ प्रकारना कार्यक्रमो अमारी आर्थिक सफलता द्वारा अमारा तमाम हितधारकोनी समृद्धिमां प्रदान करशे। ग्रेनाइट ग्लोब फाउंटेनमां इजनेरी अने कळानो सुभग समन्वय थयो छे जे वडोदराना समृद्ध आर्किटेक्चरल जीवंततामां पूरक छे। उपरांत सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट माटे कंपनी हेल्थकेर रोजगारी माटे व्यावसायिक कुशलता विकास राष्ट्रीय कला अने सांस्कृतिना वारसाना संरक्षण अने समाजना उत्थानना क्षेत्रमां पण कार्य करे छे। का उद्देश्य यही है जो हम लोगों का कंपनी है वो काफ़ी कमिटेड है अबाउट सस्टेनेबिलिटी जो होता है वो कंसेप्ट के ऊपर, जिसमें हम लोग पूरा जो हम लोगों का प्रोडक्ट प्रोसेस है जो हम लोगों का जो एनवायरनमेंट है उसको सेफ रखने के लिए हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं। सिमिलर वे में जहाँ पे हम लोगों का फैक्ट्रीज़ है उसका आसपास में जो कम्युनिटीज़ है उसमें भी इस सिमिलर टॉपिक के बारे में ज़्यादा चर्चा हो, ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो, इसके लिए हम लोग फोकस करते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है इस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया है एक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, और सेकेंडली जो हम लोगों का कंट्री का करंट फोकस है स्वच्छ भारत अभियान का, उसमें भी ये प्रोजेक्ट हम लोग कंट्रीब्यूट करने वाला है। इसीलिए ये दोनों प्रोजेक्ट के मद्देनज़र रखते हुए ये प्रोजेक्ट बनाया गया। सर इसका जो मेंटेनेंस वगैरह है वो किसके द्वारा किया जाएगा? ये हम लोग अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि कैसे किया जाएगा, लेकिन ये हम लोग डेफिनेटली इंश्योर करेगा जो इसका जो हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस स्टैंडर्ड है वो हम लोग मेंटेन करें। सर वडोदरा महानगर पालिका में इसके रिगार्डिंग कोई बातचीत चल रही है? वडोदरा का महानगर पालिका सर हम लोगों का कंटिन्यूस टच में है, तो उन्होंने हम लोगों का काफ़ी सपोर्ट किया है और इन फ्यूचर भी सपोर्ट करने का हम लोग का उम्मीद उनसे रखते हैं और हम लोग सपोर्ट मिलेगा भी। एट द सेम टाइम हम लोग एज ए कॉरपोरेट जो है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट गया, क्योंकि हम लोग ये बनाया है तो इसको मेंटेन करना जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, हम लोग इसको मेंटेन करेंगे। सर इसका जो डिज़ाइन है और आर्किटेक्ट है वो कहाँ पर से तैयार किया गया और इसका लागत कितना है? अभी अमाउंट के बारे में तो मैं कुछ कमेंट नहीं करना ही समझेगा, वो बेटर सही है, लेकिन जो हम लोग इसको डिज़ाइन के बारे में बात किया है पूरा डिज़ाइन हम लोगों का कंपनी का जो डिज़ाइन सेल है, कम्युनिकेशन ब्रांडिंग टीम है, उसने कुछ इनपुट दिया है उसका ऊपर बेस करके जो अभी आप लोग सुने होंगे आर्किटेक्ट आर्किवेस्टेबल की जो कंपनी है उनको साथ जॉइंटली हम लोग एक वर्कशॉप करके ये डिज़ाइन बनाया गया था। काफ़ी लोगों का इनपुट उसमें है और एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग ये राजस्थान का जो संजय जी है और हमारा इधर में जो देसाई जी है उन लोग इसको एग्जीक्यूट किए। राजस्थान जोधपुर निवासी अने 1953 थी ग्रेनाइट मां कारीगरी विशेषता धरावता तेमज आ सर्कल ना निर्माण ना शिल्पी संजय धनेरवाए ग्रेनाइट ग्लोब फाउंटेन विषय माहिती आपी हती। हमारा फैक्ट्री सर जोधपुर राजस्थान में है और आज से नहीं 1953 से है और ये लाइन हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, 80s से इसको ग्रेनाइट के अंदर काम कर रहे हैं और ये हॉलो बॉल है 12 पेंटागन से बनी हुई है और ये बॉल परफेक्टली राउंड होगी तब ये रोटेट करेगी। इसके नीचे की कैविटी इसकी सीट है वो भी ग्रेनाइट की है, वो लिफ्ट करता पानी इसको और बॉल रोटेट करेगी। सर आपका परिचय? मैं संजय धनेरवा विश्वकर्मा शिल्प पैलेस जोधपुर। समाचारोना सतत अपडेट मेळवा माटे लोकमत न्यूज ने यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबावो अने अमारी साथे जोड़ाई रहो फेसबुक इंस्टाग्राम अने ट्विटर पर।